दो करोड़ की आबादी वाले शहर कराची में जराइम की शरह में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं, मगर जराइम की रोकथाम की कोशिश करने के बजाय कानून के मुआवजों का जराइम को कंट्रोल न करना यकीनी ताज्जुब खेज है। इसी तरह का वाकया बलोच कॉलोनी थाने की हदूद में पेश आया, जहां दो मुस्लिम मुलजिमान महमूदाबाद नंबर 6 में वाकया मोबाइल फ्रेंचाइज में दाखिल हुए और सिम लेने के बहाने इन्होंने अस्था निकालकर लूट मार शुरू कर दी। इस दौरान रीजनल सेल्स ऑफिसर 30 साला एहसन कमाल वाल जफर इकबाल ने मजम्मत की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 गोलियां लगने से वो जहाँ बहक हो गया। भारत फ्रेंचाइज पर महमूदाबाद में बैठा हुआ था, 2 दहशत गर्द अंदर आए, 2 दहशत गर्द अंदर आए और एक बच गया और दूसरा मेरा बेटा जो है वो उसको गोली मार दी और उसको वो अपने माल की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। मगर ये बदबख्त जो दंदनाते फिर रहे हैं, खुदा इनको गारत करे। एहसन कमाल जैकब लाइन का रिहायशी था, 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और वालिद की रिटायरमेंट के बाद घर का कफील था। नाज घर पहुंचने पे कोहराम मच गया, माँ शिद्दत गम से निढाल हो गई और बाप पर वशी के दौरे पड़ने लगे। एहसन कमाल ने वसीयत की थी कि उसके मरने के बाद उसकी आंखें किसी को अतिया कर दी जाए। उसने एक बहुत बड़ा नेक काम और किया कि जाते हुए वो अपनी आंखें डोनेट कर गया और रात उसकी आंखें ऑपरेट करके किसी अंधे को लगा दी जाएंगी और उसकी रोशन आंखें इस दुनिया में हम फिर देख सकेंगे। बलोच कॉलोनी थाना, जहां मंशियात फरोशी और कच्ची शराब की फरोख्त के हवाले से मशहूर जाना जाता है, वहां अब दिन दहाड़े लूट मार की वारदातें भी रोजमर्रा का मामूल बन गई हैं, जिससे वहां के रिहायशी और ताजरों में तश्वीश पाई जाती है। जबकि अहले इलाका के मुताबिक इलाका पुलिस जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करती नजर आती है। देखना यह है कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुक्काम बाला क्या इकदाम करते हैं। कैमरामैन अम्मार खान के हमराह आरिफ बंगश, मेट्रो 1 कराची।